गेहूं खरीद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में गेहूं की खरीद के लिए कॉरपोरेट घरानों को दिए गए परमिट का विरोध शुरू हो गया है। किसान यूनियन BKU एकता उग्रहा ने पंजाब सरकार से मांग की है कि गेहूं खरीद के लिए कॉरपोरेट घरानों को दी गई परमिट को रद्द किया जाए। इसके साथ ही राज्य के सभी निजी साइलो यानी निजी भंडारण केंद्र को अपने कब्जे में लिया जाए। किसान संगठन ने कहा कि वो अपनी इन मांग को आगे बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल को साइलो यानी निजी भंडारण केंद्र पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। किसान संगठन ने राज्य सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त करने का भी आरोप लगा है। किसान नेताओं का कहना है कि सभी किसान इसका विरोध करते हैं। बता दें कि पंजाब में MSP पर गेहूं की खरीद जारी है। गेहूं खरीद के लिए राज्य सरकार ने सरकारी संस्थाओं के अलावा निजी भंडारण केंद्र और कॉरपोरेट घरानों को भी परमिट दिए हैं, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं।